साथियों, अमृतकाल की 25 वर्षों की यात्रा में हमें बीते दशकों के अनुभवों को भी ध्यान में रखना होगा। आजादी के बाद 4 दशक तक कांग्रेस को ये समझ ही नहीं आया था कि गांवों में पंचायती राज व्यवस्था लागू करना कितना आवश्यक है। इसके बाद जो जिला पंचायत व्यवस्था बनी भी, उसे कांग्रेस शासन में उसे अपने नसीब पर छोड़ दिया था, अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। यानी गांव में बसने वाली देश की 2/3 आबादी के लिए अपनी सड़क, बिजली, पानी, बैंक, घर, ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए जीवन की प्राथमिक सुविधाओं के लिए तरसना, यही उनकी नियत बन गई थी, नियति बन गई थी। यही वजह है कि आजादी के 7 दशक बाद भी देश के 18,000 गांवों तक बिजली नहीं पहुंच सकी थी। यही वजह है कि देश के 16 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों को नल से जल नहीं मिल सकता था। पंचायती संस्थाओं को कांग्रेस और उसके जैसी सोच वाले दलों ने अपने भ्रष्टाचार और भ्रष्ट नेताओं के एडजस्टमेंट का अड्डा बना दिया था। कांग्रेस के राज में पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त करने के ठोस प्रयास कभी नहीं किए। ज्यादातर कार्रवाई आंकड़ों में और कागजों में ही सीमित रही, और जम्मू कश्मीर तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 2019 में आर्टिकल 370 हटने के बाद वहां पहली बार ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक के चुनाव हुए। इनमें अब वहां 33,000 से ज्यादा स्थानीय जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए। पहली बार वहां जमीनी स्तर पर लोकतंत्र स्थापित हुआ है।